कर में नियाज खान। जो तस्वीरें आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखी हैं, ये किसी शादी में खाने पीने को लेकर मारपीट की वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है, वो भी जमहूरियत के मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा सदन की, जहां विधायकों ने सदन की मर्यादा को ताक पर रखकर जोरदार हंगामा किया और मारपीट की। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदस्यों ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की। वह मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करने पहुंचे थे, तभी सत्तारूण दल पीटीआई के सदस्यों ने मजारी पर हमला कर दिया और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में उनके बाल खींचे। वहीं घटना के बाद दोस्त मोहम्मद मजारी सदन छोड़कर चले गए। दरअसल लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। इसी दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल यह पीटीआई सदस्यों का उन नेताओं पर कटाक्ष था जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर विपक्ष का समर्थन किया था। फिर इमरान खान की पार्टी के विधायक अपने साथ लाए लोटों को डिप्टी स्पीकर पर फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पीटीआई सदस्य डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पीटीआई के सदस्य सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं और अंधाधुंध मारपीट और लात घूंसे बरसा रहे हैं। वहीं इस वीडियो को देखने के बाद डॉन न्यूज की पत्रकार अप्सा कोमल ने ट्वीट किया, अंततः पंजाब विधानसभा में पीटीआई और पीएमएलक्यू सदस्यों ने हिंसा का सहारा लिया, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हमला किया गया। यह इस देश में लोकतंत्र के लिए एक और दुखद दिन है और LHC के आदेश का घोर उल्लंघन है। भगवान जानता है कि हमारे पास देखने के लिए और क्या बचा है। विचलित करने वाला दृश्य। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अप्सा कोमल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से मैंने बात की, जिन पर आज सदन के अंदर हमला किया गया था, वह आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने कहा कि वह आज हर कीमत पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोकतंत्र को सफल बनाना है, बदला नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में करीब एक हफ्ता तक चले सियासी नौटंकी में इमरान खान 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में विश्वास मत से हार गए थे और उन्हें पाकिस्तानी पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। वहीं पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से बेदखल होने वाले पाकिस्तान के पहले नेता बन गए। तो इमरान के सत्ता से बेदखल होने और सदन के अंदर इस मारपीट को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।